मेरी गुंजा, तुम शहादत पाकर भी मेरे अंदर जिंदा हो। मुझे इस बेदर्द दुनिया में अकेला छोड़कर खुद तुम चली गई। इस तकलीफ को ताकत बनाकर सारे काफिरों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं। इस मिट्टी के तले तुम्हारे हर गुजरे दिन के बदले वादा करता हूं कि हर काफिर को जमीन में काट दूंगा मैं। और वादा करता हूं कि उस काफिर से शुरू करूंगा जिसने तुम्हें मुझसे जुदा कर दिया। कसम खाता हूं मैं। चलो मेरे हुजूर, मुझे भी ले चले। बोरान, जाओ वापस कबीले, आराम करो कुछ देर। इस तलवार को चला के तसल्ली मिलेगी। अपनी गुंजा का इंतकाम लिए बगैर मुझ पर तसल्ली हराम है। हाय माशाल्लाह, मेरे सिपाहियों को यही जेब देता है। आ जाओ। उस्मान साहब, तो मेरी बात नहीं मानी तुमने। जिन लोगों ने मुझे तकलीफ पहुंचाई तुमने उनसे तिजारत कर ली। आपको तकलीफ पहुंची तो क्या मुझे तकलीफ नहीं पहुंची थी? खुद को तमाम कबाइल का सरदार समझते हैं, हुक्म सादर कर देते हैं और जो इत्तबा नहीं करते उनके काफिरों पर हमला कर देते हैं। मसला सिर्फ कारवां का नहीं है या सिर्फ ये तिजारत का नहीं है, ये गद्दारी कहलाती है। मैंने गद्दारी नहीं की उस्मान साहब, जो किया अपने कबीले के लिए किया। ठीक है, आ जाओ। जा, 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 जा।
खैरियत तो है उस्मान साहब, हम यहां पर क्यों मिल रहे हैं? तरकीब है ये। बताइए मुझे, हम उन बच्चों को कैसे बचाएंगे? यही सबब है यहां आने का। तकफूरों को यकीन दहानी करवाओ कि तुम उनके साथ हो। इसी तरकीब से बच्चों को हम बचा सकते हैं। खैमों में रहते हैं हम लोग और हरकत भी हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन तकफूरों के कलों में ऐसा नहीं होता। यही वजह है कि उन्होंने भागने के लिए खुफिया सुरंगें बनाई होती हैं। मार्तलोज और बेलजिक कले के दरमियान खुफिया रास्तों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। सुरंग बावर्ची खाने से निकलती है। आप जाएंगे,
और हमारे लिए वो रास्ता खोलेंगे। वो रास्ता खोलने के लिए काफले के साथ किले में दाखिल हो जाऊंगा। क्यों नहीं, लेकिन उन्हें एतमाद में लेने के लिए उन लोगों के साथ हम भी खेल खेलेंगे। आप ठीक तो आए हैं हुजूर? ठीक हूं। चलो इसका हिसाब लेकर रहूंगा सरदार उस्मान। इस जैसा बहादुर ही उस्मान को रोक सकता है। जनाब रोगातूस बिल्कुल ठीक कह रहे थे, अब हम बिल्कुल महफूज हैं। चलो निकले, हमें बेल्जिक जाना है। चलें।